हमारे पास एक कॉन्वेक्स सेट होगा। अब फ्रेंड्स हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कॉन्वेक्स हल क्या होता है। कॉन्वेक्स हल की जो डेफिनेशन है, आ कॉन्वेक्स हल सी एक्स इज एनी गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स इज द सेट ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स पॉइंट फ्रॉम एक्स, यानी जो कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के रूप में है हमारे पास, उन सेटों को जो भी सेट होगा, उन पॉइंटों को जो भी सेट होगा वो हमारे पास कॉन्वेक्स हल होगा। इन अदर वर्ड द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग एक्स, यानी जो कॉन्वेक्स सेट है वो कॉन्वेक्स सेट को हमारे पास कंटेन कर रहे हैं, उन सारे सेटों का जो वो होगा सेट होगा कॉन्वेक्स सेट होगा। तो उसके दो कंडीशन हमारे पास इसकी, ये इनको सेटिस्फाई करेगा, जो हमारे पास कॉन्वेक्स हल होगा वो इससे शो करते हैं, और वो कॉन्वेक्स हल जो होगा उसका जो एक एक्स जो होगा, अगर एक्स का कॉन्वेक्स हल ले रहे हैं तो वो एक्स जो होगा उसका सबसेट होगा। इस तरह से अगर डब्ल्यू एक्स सबसेट ऑफ डब्ल्यू, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो एक्स है उसका कॉन्वेक्स हल जो होगा वो डब्ल्यू का सबसेट होगा। अब फिर से आते हैं हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल फेजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम कंसिस्ट द कॉन्वेक्स सेट हुज एक्सट्रीमम पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन, यानी कि कॉन्वेक्स सेट है हमारे पास, ये फेजिबल सॉल्यूशन है, उनका जो सेट होता है फेजिबल सॉल्यूशन का जो सेट होता है वो हमारे पास कॉन्वेक्स सेट।